हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आपका पूरा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें कौन से सेमेस्टर में क्या सिलेबस आने वाला है, वो सारा कुछ हम आपका डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी लगभग आपके सभी सब्जेक्ट्स का हमने सिलेबस जो है डिस्कस कर लिया है आपसे, और उन पर कुछ चैप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं, नए बैच स्टार्ट हमारा कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर के नया सिलेबस 2023 का प्रथम सेमेस्टर किस चीज का, राजनीति शास्त्र। आज हम राजनीति शास्त्र के प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं कि राजनीति शास्त्र में BA फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, फिर आप पॉइंट आउट करके एक एक यूनिट के हिसाब से आप पढ़ते चलोगे और चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होती रहेंगी, समझ रहे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर के बारे में, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, कि भारत का संविधान क्या था, कैसे था, कैसे बना, क्या चीजें हैं उसमें, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए भारत में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमको जो है पढ़ना है इस पूरे सेमेस्टर में, समझ रहे हो। तो आपको पता है कि हर सेमेस्टर, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, हर सब्जेक्ट को जो है जब सेमेस्टर में पढ़ा जा रहा है तो 8 यूनिट्स में पढ़ा जा रहा है। तो ये भी आपका 8 यूनिट्स में होने वाला है, जिसमें आपका पहला यूनिट यहां आपके सामने रहा। पहले यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, पहले में पढ़ना है आपको बर्थ, ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बर्थ कहाँ हुआ, जन्म कैसे हुआ, इसकी ग्रोथ कैसे हुई, वृद्धि कैसे हुआ, और पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या है, राजनीतिक प्रवृत्ति क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड सब चीजें हमको एक्सप्लोर करनी है इसमें, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ भारतीय समाज में। पहले तो भारतीय समाज उस चीज सहता चला जा रहा था, हर एक चीज सह रहा था, फिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसकी वृद्धि कैसे हुई, और इसमें किन किन राजनीतिक प्रवृत्तियों ने भाग लिया, कौन कौन सी राजनीतिक प्रवृत्तियां, राजनीतिक ट्रेंड्स हमको देखने को मिले, तो उन सभी चीजों के बारे में यूनिट नंबर 1 में हमको डिस्कस करना है। अब इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हमको पढ़ना है स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या है, जैसे कि संवैधानिक विकास के चरण कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके एक संविधान डेवलप किया गया, हमारे इंडिया का संविधान डेवलप करने में कौन कौन से जो है स्टेजेज हुए, कौन कौन से चरण से गुजरते हुए भारतीय संविधान डेवलप हुआ। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि आप देखोगे कि जो स्टेजेज है कि संविधान सभा कैसे बना, तो इसके लिए सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया कि संविधान सभा होगा वो कहां पर बैठेंगे, कौन उसका अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन कौन से तरीके लोग जुड़ेंगे इसमें, कौन कौन संविधान सभा के सदस्य होंगे, ये बहुत सारी चीजें थी। तो दूसरी चीज क्या था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये पढ़ना है आपको, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। फिर आपको पढ़ना है आगे जो है फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन क्या था, भारतीय संविधान का दर्शन, यानी कि भारतीय संविधान पर दर्शन का कितना इंपैक्ट पड़ा, वो चीजें पढ़नी है। और इसके बाद सिटीजनशिप के बारे में पढ़नी है, नागरिकता के बारे में पढ़नी है, कि भारत में संविधान के द्वारा नागरिकता किस तरीके से दी जाती है। तो सेकेंड यूनिट में हमको इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, एक व्यक्ति को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, एक व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य क्या हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज एक पर्सन के ऊपर, एक नागरिक के ऊपर रखा गया है। अगला है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं कि राज्य किस तरीके से होना चाहिए, मतलब एक पूरा आपका पॉलिसी वर्क करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या क्या है, वो सारी चीजें। तो तीसरे यूनिट में हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं इनके बीच में कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रही है उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है। यानी कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो संघर्ष रहा है उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें संघर्ष के रूप में रही है, उन चीजों के बारे में बात करना है। उसके बाद क्या बात करना है, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन जो किया जाता है संविधान में, तो संविधान की प्रक्रिया में जो संशोधन होता है कि कैसे संशोधन किया जाएगा, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरेगा, वो बात करनी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी संरचना है, उसकी अवधारणा क्या है, कैसे है, उन चीजों के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 4 में, समझ पा रहे हैं।
अब आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेटर, यानी कि संघ कार्यपालिका और संघ की जो विधायिका है वो क्या है, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या कैसे बनते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैबिनेट कैसे होते हैं, मंत्रिपरिषद कौन है, क्या है इसकी वैल्यू, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्या है इसकी जरूरत, क्या है बहुत सारी चीजें, प्रधानमंत्री के बारे में, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इनके स्पीकर्स हो गए, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। यानी कि संघ कार्यपालिका और विधायिका से रिलेटेड जो भी पद आते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद हो, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है। एंड 16 में हमको पढ़ना जो है वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर, यानी कि राज्य कार्यपालिका एंड विधायिका, राज्य कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, इन दोनों के बारे में बात करना है कि स्टेट की जो कार्यपालिका है और स्टेट की जो विधायिका है ये किस तरीके से होती है, उसके बाद इनके पावर्स यानी कि शक्तियां क्या है, राज्य के जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटर है, उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है, उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरीके से इनका फंक्शन काम करता है, कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, संबंध कितना मजबूत होता है वो बात करनी है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करनी है, यानी कि जिसको हम विधानसभा कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जिसको हम विधान परिषद कहते हैं। तो ये सब कैसे बनते हैं, इनके सदस्य कौन बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, विधानसभा में कौन जा सकता है, विधान परिषद में कौन होते हैं, कौन उसका अध्यक्ष होता है, बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें हमको जाननी है इस चीज से रिलेटेड। तो इस 6th यूनिट में हमको पढ़ना है कि राज्य की जो कार्यपालिका है और विधायिका है ये किस तरीके से होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके काम क्या है, इनके पावर्स क्या है, इनको चलाता कौन है, राज्यपाल का क्या काम है, मुख्यमंत्री कौन होता है, किस तरीके से इनके बीच में संबंध होता है, विधानसभा, विधान परिषद, बहुत सारी चीजें आपको राज्य स्टेट से लेकर के स्टेट की जो पूरी जो है पॉलिटिकल बनती है, पॉलिटिकल जो वाइब्स होती है, वो पूरा कुछ पढ़ना है आपको 6th यूनिट में। ओके, इसके बाद आता है 7th नंबर यूनिट जिसमें आपको जुडिशरी के बारे में पढ़ना है। 7th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, यानी कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। हम न्यायपालिका में देखो कि न्यायपालिका का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, पता है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे बड़ी पावर है। उसके बाद हर जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया के, हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे इंडिया के लिए है, हाई कोर्ट हर प्रदेश का अपना है, और एक एक प्रदेश में जितने जिले हैं उन जिलों का अपना अपना एक एक कोर्ट है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, फिर सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। तो बेसिकली अगर हम पावर के रूप में देखें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके से मतलब चलती है एक पावर। तो वही कहा गया है कि न्यायपालिका में जो है इसमें पढ़ना क्या है आपको, कंपोजिशन, पावर्स एंड जुडिशियन, कंपोजिशन, पावर एंड जुडिशियन पढ़ना है। यानी कि कंपोजिशन मींस होता है संरचना, पावर मींस शक्ति और क्षेत्राधिकार, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। वो किसके पावर, क्षेत्राधिकार और शक्ति, तो किसके ऑफ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की संरचना कैसी होती है, इनके पावर्स क्या क्या है, शक्तियां क्या है और इनके क्षेत्राधिकार क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। किसके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, इन सभी का, इन तीनों का आपको क्या करना है, इनकी संरचना, शक्तियां और क्षेत्र, उन सभी चीजों के बारे में हमको पढ़नी है, समझ लो। तो 7th यूनिट में आपका पूरा जुडिशरी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है आपका 8th यूनिट जिसमें हमको सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, केंद्र हो गया और केंद्र से जुड़े हुए जितने भी स्टेट हैं, जिससे संघ कैसे बनता है, कि कुछ स्टेट्स हैं वो आपस में मिल करके एक बड़े स्टेट का निर्माण करते हैं जिसको संघ कहते हैं, जिसको सेंटर कहते हैं। तो सेंटर और जो जितने भी स्टेट्स हैं, तो सेंटर का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि केंद्र का राज्य के साथ संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स है, प्रशासन की शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां हो गई या फिर फाइनेंशियल शक्तियां हो गई, वित्तीय शक्तियां, उसमें कैसे मतलब कौन कौन से प्रशासन जो है सेंटर करता है, कौन कौन से प्रशासन का काम स्टेट को सौंपा गया है, इन सभी चीजों का डिफाइन करना कि कौन से पावर्स, कौन सी शक्तियां सेंटर के पास होंगी, कौन से प्रशासन की पावर्स जो है स्टेट के पास होगी। लेजिस्लेटिव यानी कि जो रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो वो रूल्स जो लेजिस्लेटिव है, जो विधायी शक्तियां हैं, कितनी पावर्स सेंटर के पास है और कितनी पावर्स यहां पर स्टेट के पास है, इन चीजों के बारे में हमको समझना है। फाइनेंशियल जो पार्ट है उसमें जो वित्तीय शक्तियां हैं, इसमें कितना सेंटर के पास
पास पावर है, कितना स्टेट के पास पावर है, क्या यूज कर सकते हैं, इन चीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्पेशल जो है प्रोविजंस ऑफ ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरिया से आते हैं आदिवासी क्षेत्रों के लिए, उनके लिए क्या प्राविधान है। आप देखोगे चाहे आपका लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एंग्लो इंडियन है उनको लाया जाता है, दो एंग्लो इंडियन, और कुछ आदिवासी क्षेत्रों से भी लोगों को लाया जाता है जो है लोकसभा और राज्यसभा में। तो क्या उनके लिए स्पेशल प्रावधान है उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, कंपोजिशन फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। कंपोजिशन मतलब होता है क्या आपका संरचना, पावर मीन्स शक्ति, एंड जो है फंक्शन मीन्स कार्य। संरचना शक्ति और कार्य के बारे में बात करना है, किसके संरचना शक्ति और पावर के बारे में, इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के। तो चुनाव आयोग की संरचना कैसे होती है, कैसे बनता है चुनाव आयोग, इसकी शक्तियां क्या है, इसके कार्य क्या है, इन चीजों के बारे में हमको 8th यूनिट में पढ़ना है कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और चुनाव आयोग की संरचना शक्ति और कार्य, इन चीजों के बारे में हमको 8th यूनिट में पढ़ना है। तो ये था हमारा बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्त, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और हम जो है और लोगों तक रीच आउट कर सके, और भी लोगों की हेल्प हो सके और लोग अपनी पढ़ाई को और इफेक्टिव बना सके और अच्छे मार्क्स ला सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।